नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ जीवन में हम खुश और संतुष्ट कैसे रहें, क्योंकि हमारा सेहत जो है इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। साथ ही भोजन पे भी जो है हमारा सेहत जो है डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे खुश और संतुष्ट रहने के लिए। आखिर खुशी और संतुष्टि लेके जाता कौन है? ये दोनों चीज़ें तो ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, हमारे शरीर में डाला हुआ है, लेकिन ये चुरा कौन ले जाता है, कौन उठा ले जाता है हमारे शरीर? जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो हमारे अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, संतुष्टि और खुशी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर ये दोनों चीज़ों की कमी होने लगती है। खुशी और संतुष्टि मेरे मुताबिक जो है आज की तारीख में, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है पैसा, मनी। खुशी जो है वो ना खुशी पैसों की देन है। इसमें पैसा जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, तब हम पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं पैसों की, जितना पैसा हमें चाहिए होता है, हम वहाँ पे नहीं रुकते, बल्कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पैसा जो है कमा के जमा करना चाहते हैं। इसका कोई भी अंत नहीं है। आप जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसका कोई अंत नहीं है। और जब ऐसे में हमारे पास धन आ जाता है, लेकिन इसके बाद बावजूद हम और ज़्यादा धन जो है अर्जित करना चाहते हैं, यहाँ जन्म देती है असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन का। और वो इंसान जो संतुष्ट रह ही नहीं सकता, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान खुश नहीं रहेगा, उसका सेहत कभी भी ठीक नहीं रहेगा। उस व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार के रोग जो है इंटर करेंगे। तो जीवन में संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असंतोष से आपका जो है खुशी जो है वो चली जाएगी। अगर आप असंतोष रहेंगे और अगर आप खुश नहीं रहेंगे, तो आपकी सेहत जो है अच्छी नहीं रहेगी, हमेशा खराब ही रहेगी। तो इसलिए ये जो तराजू है, ठीक है, पैसों का जो तराजू है कि कितना पैसा हमें अर्न करना चाहिए, ठीक है, कितने पैसों की हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो तराजू जो है हमें तौलते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जो है ये चीज़ देखा है, सीखा भी है, और कहीं ना कहीं मैं खुद भी एक टाइम पे पैसों के पीछे भागा हूँ। एक उदाहरण देता हूँ इसमें। एक वक्त था जब मैं पैसे जोड़ रहा था, ठीक है, और उस वक्त पे मतलब कि जोड़ते जोड़ते पैसों की बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगा मैं। धीरे धीरे जितना पैसा आता है ना, धीरे धीरे तो इंसान पैसों की ही अहमियत ज़्यादा देने लगता है, बाकी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है, रिश्तों की कम अहमियत देगा, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, या खुद पे कम ध्यान देगा। तो इस तरह की चीज़ें न केवल मेरे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में आज की तारीख में घटित हो रही हैं। जब इंसान पैसे जमा करना शुरू कर देता है ना, तो वो पैसा ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके जो है माता पिता, या उसके जो है जो भी है, वाइफ, बच्चे, कोई भी जो है वो, तो जब वो पैसा खर्च होता है, तो उस इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है और ना खुश भी रहेगा। और अल्टीमेटली फिर जो है वही बात आ गई कि जो है हेल्थ जो है अच्छा नहीं रहेगा।
तो ऐसे में हमें एक तराजू लेके हमेशा तौलना पड़ेगा, या यूं कह ले एक ज्ञानी पुरुष जिसके पास इस बात का ज्ञान है कि जो है असली धन क्या है, ठीक है, वो कभी भी ये गलती नहीं कर पाए। आज की तारीख में मुझे या आप लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उन सबको पता है ये बात कि असली धन क्या है, क्योंकि हमने जो है वन सेकेंड हमें और आपको तो ये जानकारी है कि सर्वोच्च धन असली धन क्या है, क्योंकि हम सब ने जो है शारीरिक तकलीफें झेली हैं, बीमारियों को झेला है, बहुत सारे डॉक्टर के पास विजिट किया है और बहुत सारी गोलियां खाई, और ऐसे में जो है वो प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बढ़ी है। और हम सब जो है आज प्रकृति से जुड़ के, नेचर से जुड़ के, प्राकृतिक भोजन करके अपनी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर चुके हैं। तो ऐसे में हम लोगों को इस बात का ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि असली धन क्या है। तो हमें जीवन में जो तराजू है कि पैसों की कितनी अहमियत है और बाकी चीज़ों की कितनी अहमियत है, ये हमें पता है। लेकिन ऐसे लोगों को समाज में आपको 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनको ये तराजू का पता ही नहीं है, वो पैसों को ही ऊपर ऊपर लेते जाते हैं और बाकी चीज़ों को नीचे नीचे। जबकि असली धन तो जो है वो सेहत ही है, और सेहत जो है वो उसको तीन चार चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि सही भोजन, ठीक है, प्रकृति के प्रति जागरूकता, जैसे कि पांच तत्व है जो है उनको वो हमारे शरीर को मिलना चाहिए, ठीक है, और आपके रिश्ते जो है वो ठीक होने चाहिए, क्योंकि खुशी जो है वो संतुष्टि और रिश्तों से ही आता है। तो अब एक अज्ञानी व्यक्ति जिसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि असली धन स्वस्थ है, तो वो क्या करेगा, वो पैसों के पीछे भागेगा, ठीक है। और मैंने आपको पीछे उदाहरण दे दिया कि जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तो हम अपने रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसों की अहमियत ज़्यादा देने लगते हैं ना, और रिश्तों सब कुछ हम साइड में कर देंगे, रिश्ते साइड में कर देंगे, दोस्त साइड में कर देंगे, सब कुछ, ईच एंड एवरी थिंग। सबसे ज़्यादा महत्वता किस चीज़ की होती है, पैसों की, ठीक है। पैसा कभी भी खर्च नहीं करना चाहेगा, बस वो चाहेगा कि पैसा जो है पड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे और बढ़ता जाए, और उसको और बढ़ाने के चक्कर में वो ना जाने कितने आगे जाएगा और पता नहीं कितने बंदों के वो गले भी काटेगा, क्योंकि पैसा ही उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत है। कल ही एक किसी ने ऑफिस में बातचीत चल रही थी, किसी एक व्यक्ति है चंडीगढ़ का, वो काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है, ठीक है। तो साथ ही उसने बोला कि यार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, और वो गोल्ड डायमंड का काम करते हैं, वो कहता है यार मेरे वो आदमी तो बहुत बड़ा बन चुके, लेकिन मेरे सर्कल में इतने लोग हैं जिनका पैसा जो है वो मार के बैठा हुआ है। तो सोचो वो इंसान आज चंडीगढ़ का सबसे बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका है डेफिनेटली, लेकिन उसने कितनों के गले काटे हैं। क्या वो इंसान अपने जीवन में संतुष्ट होगा, खुश होगा? और जब वो संतुष्ट और खुश ही नहीं होगा तो मैं 100% ठोक के बोलता हूँ कि वो इंसान जो है ढेरों सारी गोलियाँ खा रहा होगा आज की तारीख में, डॉक्टरों के चक्कर काट रहा होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि सेहत जो है अच्छे भोजन, सही विचार, ठीक है, और जो है खुशी जो कि परिवार से आता है, जो इंसान इतने लोगों के गले काट रहा है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उसके लिए पैसा ही सबसे जो है महत्वपूर्ण है, और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान अपने परिवार को संयुक्त रख पा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंसान तो पैसों को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। तो इसलिए जो है जब इंसान जो है पैसों के पीछे भागने लग जाता है, तो ऐसे में वो अपनी सेहत को गंवाना तो तय है, क्योंकि वो इस तराजू को बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण उसे ज्ञान नहीं है कि असली धन क्या है, और वो नकली धन के पीछे भाग रहा है, ठीक है। असली धन के पीछे नहीं भाग रहा, असली धन क्या है, असली धन हमारा स्वास्थ्य है,
और हमारा परिवार है। और समाज में कभी भी ऐसा कोई गलत कार्य मत करो, ठीक है। देखिए आज जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो व्यक्ति प्रकृति को मानता है, ईश्वर को मानता है, वो मेरे अकॉर्डिंग कभी भी किसी इंसान के साथ गलत नहीं करेगा, किसी का गला नहीं काटेगा, ठीक है, किसी भी इंसान के साथ गलत करेगा ही नहीं। ऐसे में मैं हो गया या आप सब हो गए जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती, जैसे कि कल मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, ठीक है, लेकिन आज हम सभी को ये इस बात का ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि असली धन क्या है। तो हम सब या यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास एक तराजू है जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं, कि सही बैलेंस क्या है, ठीक है, पैसे कितने होने चाहिए और जो है बाकी चीज़ें कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हम कभी भी हर वो व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है इस बात का, वो कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागेगा, ठीक है, क्योंकि पैसों के पीछे भागेगा तो पैसों वाला तराजू जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और बाकी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है, आपका जो है आपके रिश्ते दूर हो जाएंगे, ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन दूर हो जाएगा, आपकी खुशियाँ दूर हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली आपका जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ढेरों सारी बीमारियाँ जो है आपके शरीर में आ जाएंगी। और ऐसे में जब व्यक्ति के अंदर ढेरों सारी बीमारियाँ आ जाती हैं तो उसके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपये वो बेकार है, क्योंकि वो उन पैसों का इंजॉय ही नहीं कर सकता है, ठीक है, ना तो वो कुछ खा पी सकता है ढंग से, ठीक है, ना ही कहीं पे वो बाहर जो है घूमने जाएगा तो भी 24 घंटे उसको शरीर में दर्द ही हो रहा है, तो वो क्या इंजॉय करेगा, ऐसा व्यक्ति क्या खुशी प्राप्त कर सकता है। देखिए हमने भी 1.5-2 साल प्रॉब्लम्स को झेला है और हमें बहुत अच्छे से बारीकी से पता है कि सेहत अच्छा नहीं होना, ठीक है, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ ले आके रख दो वो सब बेकार है, ठीक है, और अगर आपका सेहत बढ़िया है तो आप बिल्कुल फ़कीर हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप खुश रहोगे, ठीक है, आप जो है खुश रहोगे पूरी तरह से। और इंसान को चाहिए क्या, खुशी ही तो चाहिए, जो इंसान खुश नहीं है उसका जीवन मेरे अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से व्यर्थ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सीखा पाया हूँ, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।